Hello children, in this video you will learn about ascending order. Today I will teach you how to write and in a proper way ascending order. First you have to learn what is the meaning of the ascending order. Ascending order meaning is बढ़ता हुआ क्रम. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम. मैं आपको समझाती हूँ. जैसे ये देखिए, वन से बड़ा क्या होता है, टू. टू से बड़ा थ्री. थ्री से बड़ा फोर. फोर से बड़ा फाइव. फाइव से बड़ा सिक्स. सिक्स से बड़ा सेवन. सेवन से बड़ा एट. एट से बड़ा नाइन. नाइन से बड़ा टेन. यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी काउंटिंग जो है आगे की तरफ बढ़ रही है. मीन्स ये क्रम हमारा जो है आगे बढ़ रहा है, तो इसे हम इसलिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर खोलते हैं. जो सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा. यहाँ क्रम जो है हमारा बढ़ रहा है, इसीलिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं. अब इसको हम कैसे क्रम में लिखें. वहाँ हमने सिर्फ 1, 2, 3 के बारे में पढ़ा. अब यहाँ पर हमारी कुछ जो काउंटिंग है वो 50 तक की है. तो इस बीच में आपको बताना है कि कौन सा वर्ड सबसे छोटा है, कौन सी लाइन जो वन की है वो सबसे छोटी है, उसके बाद जो 11 वाली लाइन आती है वो उससे बड़ी होती है, उसके बाद 21 की लाइन आती है वो उससे बड़ी होती है, फिर 31 की लाइन आती है वो उससे बड़ी, और फिर 41 वो उससे बड़ी होती है. तो यहाँ पे हमें अब ये पता लगाना है कि सबसे छोटी लाइन कौन सी है, फिर उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है, फिर उसके बाद उससे बड़ी और उससे बड़ी. तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे काउंटिंग में कि हमारी सबसे छोटी लाइन कौन सी है. देखिए सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले किसकी लाइन आ रही है, वन वाली लाइन. वन की लाइन में आता है हमारा फाइव. उसके बाद सेकेंड नंबर पर आ रही है हमारी टू की लाइन, यहाँ पर टू की लाइन. उसके बाद आ रही है थ्री की लाइन. टू के बाद आता है थ्री. थ्री के बाद क्या आता है, फोर. तो उसी क्रम में हमें लिखना है. सबसे पहले हमें लिखना है 0, 5. उसके बाद टू की लाइन आएगी, 2, 4, 24. उसके बाद 3, 5, 35. और फिर सबसे लास्ट में आएगा 4, 3, 43. इसी तरीके से बिल्कुल हमें ये करना है. 09 ये हमारी 1 की लाइन में आता है, तो 1 की लाइन हमारी सबसे छोटी हो गई. उससे बड़ी 2 की लाइन, 2, 6, 26. उसके बाद आता है 2 के बाद 3. 3 की लाइन आती है तो 3, 8, 38. फिर उसके बाद 4 की लाइन सबसे लास्ट में, 4, 5, 45. अब यहाँ पर हमारी 1 की लाइन जो है 10. 1 की लाइन में 10 आता है, 10 हम सबसे पहले लिखेंगे. उसके बाद लिखेंगे 1, 7, 17, 1, 11 वाली लाइन. फिर हम लिखेंगे 3, 4, 34. सबसे लास्ट में आएगा 4, 0, 40. अब लिखना है, इसके बाद यहाँ 1 वाली लाइन आएगी. उसके बाद लिखेंगे हम 1, 1, 11 वाली लाइन, 1, 2, 12. उसके बाद आएगी 3, 6, 36 की लाइन. फिर लास्ट में 4, 8, 48 की लाइन. इस तरीके से मैंने आपको बताया कि असेंडिंग ऑर्डर को किस तरीके से लिखा जाता है. अब आपको होमवर्क में भी कुछ वर्क करने के लिए दिया जा रहा है. ये वर्क आपको खुद से होमवर्क में करना है.